एक मरतबा हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी मौजूद है। एक भूखे सहाबी अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से अपनी भूख की शिकायत की, अपनी परेशानी की शिकायत की। सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो उम्मत के बारे में रहम था ने भाई, आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, उम्मत की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, उम्मत का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपने घर की तरफ भेजा, हमारे नबी की मुख्तलिफ बीवियां थी, अपने घरों की तरफ भेजा कि कहीं से कुछ खाने का मिल जाए और ये भूखे सहाबी का पेट भर जाए, कहीं से कुछ खाने का मिल जाए और ये भूखे सहाबी का पेट भर जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वो शख्स जिसको अल्लाह के नबी ने भेजा था वो तो आया और हमारे नबी से आकर कहा कि अल्लाह के नबी, आपके घर में तो खाने को कुछ नहीं है, आपके घर में तो खाने को कुछ नहीं है, वो शहंशाह कायनात जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, तमाम कायनात के सरदार के घर में खाने को कुछ नहीं है। और आज आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती के घर में भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, फिर भी हमने अल्लाह की कितनी नाकदरी की है, अल्लाह की कितनी नाशुकरी की है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे घर में तो खाने को कुछ नहीं है, तो हमारे नबी ने सहाबा इकराम के दरमियान में ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? आज कौन इस सहाबी को खाना खिलाएगा, कौन रात इसकी मेहमान नवाजी करेगा, कौन रात को इसको खाना खिलाएगा, कौन इसकी मेहमान नवाजी करेगा। एक अंसारी सहाबी खड़े हो गए, फरमाने लगे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भूखे मेहमान को मैं अपने घर ले जाऊंगा और मैं खाना खिलाऊंगा। उनके दिल में मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी ने उनकी जिंदगी ऐसी बनाई थी कि पहले एक जमाना था कि वो किसी का खाकर खुश नहीं होते थे, अब वो जमाना आया है कि दूसरों को खिलाकर खुश होने वाले बन गए। सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिन्होंने कहा कि मैं मेहमान नवाजी करूंगा, भूखे सहाबी को लेकर अपने घर की तरफ चले हैं और बीवी से जाकर कह दिया कि मैं मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मेहमान को लेकर आया हूँ, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, घर में जो भी खाना हो पेश कर देना, कोई खाना छुपा के न रखना, जितना हो सके उसकी अच्छे से अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे। वो अल्लाह से डरने वाली थी, हमारे लिए भी घर में खाने को कुछ नहीं है, तो वो सहाबी के दिल में मोहब्बत देखो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क देखो और मेहमान नवाजी का जज्बा देखो। क्या फरमाते हैं कि बच्चों को आज पहना कर सुना दो और जब बच्चे सो जाए तो हम खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे और तुम चिराग दुरुस्त करने की नियत से, चिराग दुरुस्त करने के बहाने से, चिराग दुरुस्त करने के हिले से चिराग को बुझा देना, हम मेहमान के साथ बैठेंगे, हम नहीं खाएंगे, मेहमान खाएगा, हम तो सिर्फ ऐसा महसूस होने देंगे कि हम भी खा रहे हैं। रात को बच्चों ने भी फकरों फाका में रात गुजारी, मियां बीवी ने भी फाका फकरों में रात गुजारी। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी ऐसी बनाई थी, इसी पर कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हुई, युफ़िरूना अला अन्फुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग हैं जो अगर जो फकरों फाका में हो फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरों को खिलाकर खुश होते हैं, दूसरों पर जान निछावर करते हैं, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, और हम तो हमारे पास हो मौजूद होते हुए किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ हाल ये है कि बच्चे भूखे सो रहे हैं, यहाँ हाल ये है कि खुद मियां बीवी भूखे सो रहे हैं और मेहमान नवाजी का ये इंतजाम है, ये जिंदगी किसने बनाई? सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। इसी तरह का एक और वाकया जिक्र किया है, एक सहाबी थे जिनका मुसलसल रोजे रखने का इंतजाम था लेकिन इफ्तार में कुछ मिलता नहीं था,
खाने को कुछ मिलता नहीं था। एक अंसारी साहबी जिनका नाम है हजरत साबित, क्या नाम है बोलो, हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने दिल में सोच लिया कि एक मुसलसल रोजे रखने वाले साहबी को खाना कुछ नहीं मिलता है, आज मैं उनको अपने घर पर खिलाऊंगा, उनकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा। वो हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु घर पर आ गए और बीवी से कह दिया कि आज रात में एक मेहमान को लेकर आऊंगा, उस मेहमान को हम खिलाएंगे, उस मेहमान का पेट भरेंगे। और एक बात याद रखो, हमारे घर में खाना तो इतना है नहीं कि मेहमान को भी खिलाए और खुद भी खा सके, हम मेहमान को खिलाएंगे खुद भूखे रहेंगे। तुम चिराग दुरुस्त करने की बहाने से चिराग को बुझा देना, दिए को बुझा देना, हम मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, जब तक मेहमान पेट भर कर न खा ले तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु वो मेहमान को लेकर आ गए, वो साबित जो मुसलसल रोजा रख रहे थे उन्हें लेकर अपने घर पर आ गए। बीवी ने ऐसा ही किया कि चिराग बुझा दिया, खाना लेकर बैठ गए और खाने में शरीक हो गए। वो साहबी खा रहे लेकिन ये मियां बीवी नहीं खा रहे हैं, इसलिए कि मेहमान को खिलाना है। अब मामला तो ये रात का हो गया, वो साहबी तो रात को खाना खाकर रवाना हो गए। अब सुबह में हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मस्जिद नबी मदीना में तशरीफ लाए। अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज अदा करने के बाद वो हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आए। हुजूर ने फरमाया, ए साबित, तुमने जो मेहमान के साथ कल रात सुलूक किया है वो परवरदिगार आलम को बहुत ही पसंद आया है। हमारे नबी को तो जिब्रील अमीन के जरिए पता चल जाता था, पर वही आ जाती थी कि अल्लाह के नबी के साहबी ने क्या मेहमान नवाजी की है, अल्लाह को भी वो मेहमान नवाजी पसंद आ गई है। अल्लाह हमारा भी ऐसा जज्बा नसीब फरमाए, हमारे दिलों में भी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। इसलिए कहा बहुत शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, वफाईदा उल्फत का तराना याद आता है, वफाईदा उल्फत का तराना याद आता है, सहाबा का मुकद्दस वो समाना याद आता है, सहाबा का मुकद्दस वो समाना याद आता है। बहुत थोड़े से खाने पर, बहुत थोड़े से खाने पर ज़ियाफ़त कैसे होती है, बहुत थोड़े से खाने पर ज़ियाफ़त कैसे होती है, सहाबी का दिया घर में बुझाना याद आता है, सहाबी का दिया घर में बुझाना याद आता है। हमें इस दौर में ऐसा घराना याद आता है, सहाबा का मुकद्दस वो ज़माना याद आता है। अल्लाह हम सबको सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सरकार से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा इकराम की मोहब्बत या आका ए दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह हम सब